पहले हमारे दादा था, फिर ताऊ था, मैं हूँ। ये इनका किचन है जहाँ पे परौठे वगैरह बनते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरे राइडिंग गियर थे। क्या आप रोजमर्रा के काम और भाग दौड़ से परेशान हो चुके हैं? बॉस की खिटखिट सुन सुन के पक चुके हैं? क्या आप कहीं आउटिंग या हिल स्टेशन प्लान कर रहे हैं? क्या आपको बीच चाहिए? तो तैयार हो जाइए दिल्ली के पास 50 किलोमीटर के अंदर हिल स्टेशन जाने के लिए। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। ये जो जगह है ये थोड़ी सी हाइट पे है, अरावली रेंज है बेसिकली। अगर आप दिल्ली में हैं, आसपास में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि आप एक हिल स्टेशन का जो मजा है वो ले पाएं। ट्रैकिंग है थोड़ा बहुत और बाकी बाइकिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स जो मेरे राइडिंग गियर है उसमें है एक नी गार्ड और एक है एल्बो गार्ड। उसके साथ मेरे पास ग्लव्स लिए हैं जो कि मतलब सिंपल से ही हैं, 700 रुपये के हैं ये, और तकरीबन 1500 रुपीज़ के राइडिंग गियर, 700 का ये, और 2500 के अंदर ये दोनों चीज़ें मेरी आ गई हैं। तो चलिए मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने राइडिंग गियर के साथ तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकलते हैं अपने राइड के लिए। हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर में आगे निकल चुका हूँ और लेपर्ड ट्रेल जाना है हमें। मेरे साथ दो बच्चे और हैं, स्वास्तिक एंड प्रांजल। हमारा प्रोग्राम है वहां पे, हम इकट्ठे होंगे, मेरी मिसेज भी वहीं पे रहेंगी और वहां से हम लोगों ने गाड़ी से बच्चे लोग जाएंगे और मैं बाइक से भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। मौसम तो बहुत मस्त हो रखा है दोस्तों, आई होप कि आवाज सही आएगी आपको, नहीं आएगी तो फिर पार्डन। जो यमुना नदी के ऊपर जो ब्रिज है, यमुना नदी का पानी अभी उतरा हुआ है काफी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए अंचल प्लाजा के पास। अंचल प्लाजा कितने सारे कबूतर, ये साकेत के जाने वाली रोड है और आगे से हमें लेफ्ट लेना है मेट्रो एंक्लेव से। आगे मेट्रो एंक्लेव आएगा वहां से लेफ्ट लेना है और वहीं पे हमें हमारे न्यूयॉर्क मिलेंगे। फ्रेंड यहाँ पे बहुत बारिश हुई है लगता है, सारी सड़कें गीली हैं, पीछे भी सब भीगा हुआ था। तो फ्रेंड ये मेट्रो एंक्लेव का यहाँ एंट्री गेट है, यहाँ से हमको बिल्कुल सीधा निकलना है बट यहाँ तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है, आगे तो गाड़ी जा रही है, उसमें बच्चे आराम से बैठ गए हैं और मैं जस्ट अब उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी जो गाड़ी है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम लोग हैं साकेत की तरफ, सीधे हम नैरोली की तरफ जा रहे हैं, वहां से हम एमजी रोड पकड़ेंगे। वाह और क्या चीज़ है, यही तो चीज़ है मोटर राइडर वहां, मक्खन जैसी सड़क और उसके कम हर्डल्स है। अभी भी दोस्तों 22 मिनट का वे भी है हमारा। तो फ्रेंड अर्जनगढ़ का मेट्रो स्टेशन आ गया है, यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेज है। आया नगर भी यही है। साइबर हब के लिए लेफ्ट एंड एच एक बड़ा मेरे को क्या दिखा रहा है, ये आप उन्हें घूमते हुए दिखा रहा है, आप यू टर्न भी मानना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा बहुत से लोगों, जयपुर वाले के हाईवे उस पर जाना है। ठीक है, थैंक यू भैया।
छोटा ने मेरे को भाई ने बता दिया कि आपको यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो मैं यू टर्न लेता हूँ। कहाँ से हाईवे पे कैसे जाने मुझे जाना है यू। तो फ्रेंड मेरे को थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला सबसे कोने वाली लेन में जाना है आपको, तो कोने वाली लेन में जाने के लिए थोड़ा सा वेट करके बाइक वाले को जाने दो पहले, और फ्रेंड्स देखते हुए फटाफट से कल्टी बोलो मेरे को री सेंटर मारते हैं। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ, आस्था पहुंच गया हूँ, बट अभी प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचा हूँ, प्रॉपर जगह पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो फ्रेंड्स काफी लेट हो चुका है, तो अभी लेपर ट्रेल जाना पॉसिबल नहीं है, बट कल मॉर्निंग में मैं आपसे मिलता हूँ और कल हम लेपर ट्रेल जरूर जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेपर ट्रेल जाएंगे और आज का दिन बहुत अच्छा है, रेनी डे है और जो कि हमें चाहिए था। हम लोग अब 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे लेपर ट्रेल के लिए, तकरीबन 8 किलोमीटर यहाँ से है रवे, बहुत अच्छी जगह है, आपको जरूर मजा आएगा। तो अब हम वहीं मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जैसे ही हम निकले वैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लगता है आज हमें बारिश में ही वीडियो शूट करनी पड़ेगी, बट मैंने अपने कैमरा को वाटरप्रूफ केस के अंदर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँचते ही बहुत तेजी से बारिश होने लगी है और मेरे साथ स्वास्तिक है जो कि जिद कर रहा है कि मेरे को बाइक में ही चलना है, बट उसे हम जबरदस्ती भेज रहे हैं। तो ये देखिए उसे फटाफट गाड़ी में शिफ्ट करते हुए, और क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसकी। तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम देखते हुए मैंने अपने कैमरे को पहले ही वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर माउंट कर लिया था, और वो ऊपर देखिए वहाँ एक मंदिर है, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है ये मुझे पता चला है खाटू श्याम जी का है। सो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, और बारिश तेज होती हुई जो मेरा कैम है वो पानी से तराबोर हो चुका है, बट ये अच्छा है कि वाटरप्रूफिंग के अंदर है। तो फ्रेंड्स तकरीबन 500 मीटर्स हम लोग बाइक ड्राइव करके खाटू श्याम जी मंदिर के गेट के बाहर आ गए हैं, और ये देखिए मंदिर का गेट सामने। सो फ्रेंड इजंट इट नाइस, ये देखिए आपको यहाँ से दूर दूर तक बिल्कुल साफ सुथरा खूब प्यारा सा एटमॉस्फेयर नज़र आता है, और क्योंकि यहाँ बारिश हुई है तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। सो फ्रेंड पास ही में यहाँ के जो पंडित हैं श्री संत राम जी, आइए उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये मंदिर जो है कौन सा मंदिर है और कितना साल पुराना है? काफी चार मंदिर है। अच्छा कोई मान्यता है यहाँ की? एकादशी है। अच्छा एकादशी की पूजा होती है। अच्छा एकादशी की पूजा होती है यहाँ। और कितना पुराना है मंदिर? ये सन 1958 का। 1958 का पूजा पाठ कौन करते हैं यहाँ पे? अच्छा आप ही पंडित हैं यहाँ पे? अच्छा तीन पीढ़ी था आपकी। चलिए अच्छा तो आप मतलब यहीं रहते हैं? रहता हूं, दिन में भी और रात में भी। अच्छा काफी अच्छी जगह पे मंदिर है। और खाटू श्याम जी तो ऐसे बहुत लोग जाते हैं, बट यहाँ का लोगों को इतना पता नहीं है। मैं ये कहा ना कि अभी सड़क थी ना पहले। हाँ जी सड़क अभी साल भर से बनी है। अच्छा अब वहाँ जाना बनेगा, पहले तो सच्चा रास्ता वैसे डीपीसी कुछ चला के वैसे बना रखा है फिलहाल इसका। अच्छा चलो हम आशा करते हैं कि लोग खाटू श्याम जी के जो इतनी दूर नहीं जा सकते तो यहाँ पे भी दर्शन करने आए। के पास है तो राजस्थान में। हाँ जी अब कितने तो वहाँ लोग जा भी ना पाते हैं तो यहाँ दर्शन तो कर ले। मैंने एक्चुअली नीचे देखा था कि खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो मैं फिर मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जान सकते हैं? संतराम है। संतराम जी, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बात कराई जो पंडित जी थे यहाँ के, श्री संतराम जी। और ये देखिए यहाँ का जो प्यारा व्यू, यहाँ पे आपको बिल्डिंग भी मिल जाएंगी, नॉर्मल घर भी मिल जाते हैं, प्लॉट्स हैं, और बहुत प्यारा व्यू मिल जाता है। चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर। ये है द्वार जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। यहाँ पे एकादशी की पूजा होती है और खाटू श्याम जी जो है वो बरबरीक जी को बोला जाता है। और जो बरबरीक जी थे वो एक बहुत ही महान योद्धा थे। उनके पास 3 तीर थे जिससे वे कोई भी लक्ष्य को भेद सकते थे। तो बरबरीक जी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध पे चले गए लड़ने के लिए। तो उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो क्योंकि कौरव पांडवों के मुकाबले उतने शक्तिशाली नहीं थे, तो कृष्ण जी भाग गए अगर ये पांडवों के खिलाफ लड़े तो पांडवों का अंत निश्चित ही है। तो इसलिए उन्होंने तब बहुत ही चतुराई से श्री कृष्ण जी ने बरबरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया और बरबरीक जी ने अपना शीश खुशी खुशी उनको दान कर दिया। फिर उन्होंने एक इच्छा जताई कि मैं ये पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन इसमें विजयी होता है। तो श्री कृष्ण जी ने उनके जो शीश को एक बहुत ऊंचाई पे बबूल के पेड़ पे रख दिया जहाँ से कि वे पूरा महाभारत का युद्ध देख पाए। श्री कृष्ण जी ने बरबरीक जी की दानवीरता को देखकर उनको वरदान दिया कि आने वाले समय में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा और भक्त लोग तुम्हारे दर्शन करके ही सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बाहर आ गए हैं मंदिर के, और सामने भी एक मंदिर है बट हम अब वहां नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे लेपर्ड ट्रेल के लिए। यहाँ पे पहाड़ भी थोड़ा बहुत टूटे पड़े हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब इस एरिया में एंटर कर रहे हैं। लेपर्ड ट्रेल इसी को बोलते हैं और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है। बीयर का आदान प्रदान चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 300 मीटर पे जो मंदिर भी पड़ता है राइट हैंड साइड पे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने शिव मंदिर का एरिया देखिए, खेत और खेतों पे आपको नजर आएगा अभी एक मोर। सामने मोर नजर आ रहा है, वो भाग रहा है। देखिए, इफ यू कैन सी, राइडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल मक्खन जैसी सड़क, वैसी सड़क है, वो मस्त सड़क है और आजू बाजू में अरावली रेंज है। सो फ्रेंड्स, दिल्ली से ये जो जगह है वो तकरीबन 55 किलोमीटर पड़ती है और आना जाना मिलाएंगे तो 110 किलोमीटर, और 110 किलोमीटर आप जाकर हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं। डे आउटिंग और पिकनिक के लिए अच्छा प्लेस है ये, आप दोनों इंजॉय कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे निकल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मस्ती करते हुए एक्चुअली हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको भूख लग गई है, तो हम लोग पहले कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग अब लेपर्ड ट्रेल के जो मेन पॉइंट है वहां पे पहुंचने वाले हैं, वो है सामने कैफेज, कैफे का एरिया, और वहां पे अब बैठ के हम कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगे क्योंकि बच्चों को हमारे साथ भूख लग गई है। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये देखिए सामने की ओर, अभी यहाँ पे कीचड़ हो गया बरसात की वजह से, और सामने ही यहाँ पे कैफेज हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं कैफे एरिया के पास, और यहाँ पे सामने है हटके, इसके पीछे है ट्रोटर शोटल, और आगे जाके पड़ता है राठी कैफे। हम लोग राठी कैफे में रुकने वाले हैं। स्टफिंग अच्छे से कर दियो भाई। तो फ्रेंड ये इनका किचन है जहाँ पे परौठे वगैरह बनते हैं, फास्ट फूड यहाँ पे है, ये अपने ही है शायद। और ये इनका ऑर्डर लेते हैं यहाँ पे, क्या सर्विस है? हाँ दो है। सो फ्रेंड्स ये रेट लिस्ट है वहाँ की, आप देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। सो फ्रेंड्स पेट पूजा करने के बाद, कुछ देर यहाँ रुकने के बाद, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, और अब देख सकते हैं आप सारा का सारा एरिया जो है पूरा यहाँ पे कीचड़ से भर गया है, और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद यहाँ पे गाड़ियाँ भी फंसने लग जाएंगी, इसलिए हम लोगों ने बेहतर यही सोचा कि यहाँ से निकल चलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको खाने पीने की पूरी सुविधा मिल जाती है, पार्किंग के लिए आपको पूरा प्लेस मिल जाता है, और बैठ के आराम से आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। अपने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो है लेपर्ड ट्रेल, और अब हम लोग यहाँ से वापसी निकल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा एरिया दिखा दिया है, और राठी जो कैफ़े है वहाँ की रेट लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी, कुछ एक कैफेज हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो कृपया करके एक शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।